जय जिनेन्द्र, मैं काव्या जैन आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज के पौत्र शिष्य तपयोगी लोक पुरुष पूज्य श्री शिवेंद्र मुनि जी महाराज और उनके शिष्य बाल ब्रह्मचारी परम सुख मुनि जी महाराज, आदर्श मुनि जी महाराज और श्री पुष्कर मुनि जी महाराज विजेंद्र नगर डाबा रोड स्थित आराधना भवन में विराजमान है और साध्वी श्री एशना जी महाराज, साध्वी श्री जयंती जी महाराज, साध्वी श्री प्रतिज्ञा जी महाराज, साध्वी श्री प्राप्ति जी महाराज और साध्वी प्रसिद्धि जी महाराज पूज्य श्री शालिग्राम जैन भवन विजेंद्र नगर डाबा रोड लुधियाना में विराजमान है, जहां सभी साधु साध्वियों की पावन निशा में पाठ और प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका सभी जैन भक्त भाई बहन लाभ ले रहे हैं। तप योगी लोक पुरुष पूज्य श्री शिवेंद्र मुनि जी महाराज की पावन निशा में 18 फरवरी 2018 को वैरागी रामेश्वर दास जैन, वैरागी अशोक जैन और वैरागी विशेष जैन की जैन भागवती दीक्षा होने जा रही है। इस मंगल बेला में अनंत की वर्षा करने और तीनों महानात्माओं को प्रत्येक आशीर्वाद देने नमोकार साधक श्री तारक ऋषि जी महाराज, डॉक्टर श्री संयोग ऋषि जी महाराज साहेब ठाणे सात और लोक पुरुष श्री ओम मुनि जी महाराज साहेब, सौरव मुनि जी महाराज साहेब ठाणे चार सहित कई अन्य संत भी पधार रहे हैं। ये तो मैं एक फर्ज निभा रहा हूँ, मेरा एक फर्ज है, मैं संत हूँ, मेरा एक फर्ज है, मेरा परिवार है तो इसका ख्याल रखना। आप मेरे समाज हो तो समाज का क्या रखना, ख्याल रखना। बस ये मैं तो फर्ज निभा रहा हूँ, लेकिन मैं आप में इन्वॉल्व नहीं हूँ और ना ही मैं आपको अपने में इन्वॉल्व कर सकता, कर ही नहीं सकता। मैं तो बहुत ही अलग हूँ, इसीलिए कई बार घरों में जाता हूँ ना, वो लोग कहते हैं महाराज आ जाओ, सभी संत आते हैं, तो मैं सीधा एक ही जवाब देता हूँ कि मैं सब में आता ही नहीं, मैं तो अलग से आता हूँ, थोड़ा सा मैं डिफरेंट हूँ, सोच थोड़ी अलग है, मैं कर क्या सकता हूँ, मैं भगवान की बातों पर विश्वास कर सकता हूँ लेकिन आपकी बातों पर कभी विश्वास नहीं कर सकता। बस इतनी सी बात है, समय आप लोगों का हो चुका है, समय सभी ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ 18 तारीख को कलश यात्रा निकलेगी, कलश में माताएं बहनें जो जो नाम लिखवाना चाहते हैं लिखवा दीजिए, ताकि उसी हिसाब से उतनी कलश की क्वांटिटी मंगवाई जा सके। सारी चीज़ें सजी सजाई आएगी, क्वांटिटी कलश की जितने भी चाहिए उतना आप करवा देना। इसके साथ साथ भाई लोग भी सक्रिय हो जाए, दीक्षा का कार्यक्रम समय पर आ रहा है, जितना हो सके उतना सहयोगी बनने का भरसक प्रयास करें, क्योंकि इस संयम में इस धर्म के मार्ग पर जितने सहयोगी बनेंगे उतना ही आप लोगों का अच्छा रहेगा। बाण में भी कोई भाई बहन नाम लिखाना चाहिए, कितने बाण आ गए मैं रविवार को आप लोगों को बताऊंगा, कई बाण आ चुके हैं नाम, जो जो अपने तरफ से बाण लिखवाना चाहते हैं वो अपने अपने तरफ से बाण लिखवा दें। चार जने मिलके भी एक बाण लिखवा सकते हैं, पाँच जने मिलके भी एक बाण लिखवा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक के ऊपर बोझ रखना है। 5100 रुपये की राशि है, उसमें चार जने मिल लो, पाँच जने मिल लो, अकेले दे लो, वो आप लोगों के ऊपर है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ चाहे सहयोग 1 रुपये का हो पर हो सबका हो, क्या हो, सबका हो, चाहे 1 रुपये का सहयोग हो। यहाँ पर जो है मैं खुद बता रहा हूँ, मैं कभी भी पैसे को महत्व नहीं देता, मैं सिर्फ व्यक्ति को महत्व देता हूँ। किसको मैं व्यक्ति को महत्व देता हूँ, ना मैं जाति को महत्व देता हूँ, ना किसी मजहब को महत्व देता हूँ, मेरे लिए तो भगवान ही सत्य है, है ना, और भगवान के भक्त ही सत्य है, बाकी सारा का सारा असत्य है, मैं किसी चीज को नहीं मानता। इसलिए सज्जनों मैं किसी व्यक्ति के विशेष में नहीं आता, ना बातों में आता हूँ, ना किसी बातों पर, मैं सुनी सुनाई पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता। हालांकि संसार में होने के कारण एक आधी बार ध्यान चला जाता है, लेकिन फिर भी मैं दूसरों की बातों पर कभी ध्यान नहीं देता, जो प्रत्यक्ष है मैं उसको जरूर गौर करता हूँ। इसलिए सभी भाई बहन ध्यान रखें और परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, जो आपने मार्ग बताया है, कठिनाई कितनी आ जाए चलने की भरसक प्रयास रहेगा मेरा, है ना। तो इसलिए आप लोग भी सहयोगी बने इस संयम की यात्रा पर। चितारे लोगोतमा रिहंता लोगोतमा सिद्धा लोगोतमा साहू लोगोतमा केबले पनत्तो धुमो लोगोतमा चितारे सन बौजामी रिहंता सन बौजामी सिद्धा सन बौजामी साहू सन बौजामी केबले पनत्तो धुमो सन बौजामी अरिहंताओं का सरना सिद्धों का सरना साधुओं का सरना दय धर्म का सरना चार सन्य और न सरना कोई जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद हो। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ भूपिंदर शान की रिपोर्ट। उपरवर्तनी कोकिला कंठी जैन भारती संयम साधिका महासाध्वी श्री मीना जी महाराज, महासाध्वी श्री मुक्ता जी महाराज,
महासाधवी श्री महक जी महाराज ठाणा नू SS जैन सभा जैन स्थानक सिविल लाइन्स लुधियाना में विराजमान हैं, जहां उनकी पावन निशा में प्रवचनों सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका सभी जैन भक्त भाई बहन लाभ ले रहे हैं। उपरवर्तनी कोकिला कंठी जैन भारती संयम साधिका महासाधवी श्री मीना जी महाराज, महासाधवी श्री मुक्ता जी महाराज, महासाधवी श्री महक जी महाराज ठाणा नू SS जैन सभा जैन स्थानक सिविल लाइन्स लुधियाना में विराजमान हैं, जहां उनकी पावन निशा में प्रवचनों सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका सभी जैन भक्त भाई बहन लाभ ले रहे हैं। जयई जाग जीव जाने वियानो जाग गुरु जगानंद जगनाह जग बंधु जयई जाग पिया महो भैवं जयई सुआनं पभव तिथुराण अपचिमो जयई। अभी अभी आप सुन रहे थे समर्थ श्री जी के सुंदर विचार कि हमें सबका भला करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, भला करेंगे तो अपना भला अपने आप हो जाएगा। लो जी, लुधियाना नगरी में हम आ गए। ये लुधियाना नगरी गुरुओं की नगरी है, आत्म नगरी है। इस नगरी पर बड़ी कृपा बरसाई आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज, फिर परम श्रद्धे गुरुदेव पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज की खूब कृपा बरसी। बड़ी अच्छी तरह से सभी को संभाल और मेरे पर तो उनके बड़े उपकार हैं। मुझे दीक्षा दी उन्होंने, शास्त्र पढ़ाए उन्होंने, जो कुछ मेरे पास है सब उन्हीं की देन है। और फिर भोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज, उनको भुलाया नहीं जा सकता। उनके बेशुमार उपकार हैं जिन्होंने गुरुदेव श्रमण जी महाराज की भी खूब सेवा की और आचार्य श्री जी की भी बहुत सेवा की, और जो भी इस नगरी में आए सभी की सेवा का पूरा पूरा लाभ लिया। बाकी अब भी इस नगरी में विराजमान है उत्तरी भारत प्रवर्तक प्रज्ञा महर्षि श्री सुमन मुनि जी महाराज की कृपा बरस रही। नमो लोए सब साहूनं नमो नानस नमो दंशनस नमो चरितस
नमो तवस चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणक्तो धमो मंगलम चत्तारी लुतमा अरिहंता लुतमा सिद्धा लुतमा साहु लुतमा केवली पणक्तो धमो लुतमा चत्तारी शरण पवज्जामि अरिहंते शरण पवज्जामि सिद्धे शरण पवज्जामि साहु शरण पवज्जामि केवली पणक्तो धमो शरण पवज्जामि चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भाव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद हो उसका सदा ही मंगल होगा। लुधियाना से कैमरामैन संजय के साथ भूपिंदर शान की रिपोर्ट। एसएस जैन सभा जैन स्थानक सिविल लाइंस लुधियाना में आज उपासना ग्रुप की ओर से चंदन बाला युक्ति मंडल 3 की मासिक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जैन राजा अशोका पर आधारित नाटिका और भजन आदि प्रस्तुत किए गए, जिसका उपस्थित जैन भक्तों ने आनंद लिया। एसएस जैन सभा जैन स्थानक सिविल लाइंस लुधियाना में आज उपासना ग्रुप की ओर से चंदन बाला युक्ति मंडल 3 की मासिक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जैन राजा अशोका पर आधारित नाटिका और भजन आदि प्रस्तुत किए गए, जिसका उपस्थित जैन भक्तों ने आनंद लिया। हिंसा में क्या रखा है
उपासना ग्रुप की तरफ से मंथली मीटिंग थी चंदनबाला युवती मंडल 3 की, जो आज आत्मा चैनल वाले कवर कर रहे हैं। हमारा थीम है अशोका, जैन राजा अशोका। लुधियाना से कैमरामैन संजय के साथ भूपिंदर शान की रिपोर्ट। पंजाब देशो द्वारक आचार्य प्रवर लगभग 400 संतों के नायक पूज्य श्री अमर सिंह जी महाराज की पावन स्मृति में स्थापित पूज्य आचार्य अमर सिंह स्मारक का शुभ शिलान्यास समारोह रविवार 21 जनवरी 2018 प्रातः 10 बजे से पूज्य आचार्य अमर सिंह भवन गली लाजपत राय निकट दुर्गियाना मंदिर अमृतसर पंजाब में राष्ट्र संत आचार्य भगवत श्री सुभद्र मुनि जी महाराज ठाणे नो के पावन सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। आप सभी उपस्थित होकर पूज्य आचार्य श्री अमर सिंह जी महाराज के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर पुण्यपार्जन करें। अभी रुकते हैं छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे बाकी के समाचारों के साथ। जब इंसान अपने चारों तरफ दर्द देखकर बिलख उठता है, तब वह बढ़ता है दर्दियों के आंसू पोंछने। आचार्य आत्मा राम जी के आशीर्वाद और उपाध्याय श्रवण फूलचंद जी महाराज जी की प्रेरणा से सुशील कुमार जी ने 13 अप्रैल 1999 बैसाखी के शुभ दिन दो डॉक्टरों के साथ एक छोटी डिस्पेंसरी शुरू की थी। हाथों से हाथ मिलते गए, जिससे भर्ती दान राशि और समय के साथ छोटी डिस्पेंसरी ने अस्पताल का रूप ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज 40 डॉक्टर और 110 कर्मचारियों की टीम मरीजों की सेवा में लगी हुई है। अस्पताल में फ्री आंखों का चेकअप, 24 घंटे इमरजेंसी, 24 घंटे एम्बुलेंस, 24 घंटे पैथोलॉजी सहित कम कीमतों पर सभी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप भी 501, 5001 या अपनी इच्छा अनुसार दान राशि देकर गरीब मरीजों की मदद कर सकते हैं। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर हौसलों और जज्बों की वो इमारत जिसकी नींव विश्वास पर टिकी है, लुधियाना का बेहतरीन सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल, जहां लगे अति आधुनिक इक्विपमेंट्स, देश के बेहतरीन फेमस डॉक्टर्स की टीम पेशेंट्स को स्पेशल हेल्थ फैसिलिटीज देने के लिए कमिटेड है। अफोर्डेबल प्राइस में एक हाई क्वालिटी हेल्थ ट्रीटमेंट लुधियाना के लोगों के लिए समर्पित है, जिसके पीछे का मकसद लुधियाना शहर में अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज हर किसी को मिले। डेंटल, आईज, कार्डियोलॉजी, ऑर्थो, गायनी, पीडियाट्रिक, साइकोलॉजी, साइकेट्री, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट्स हैं और एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, लेबोरेटरी, सिटी स्कैन और कई आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर में सभी संभव प्रयास द्वारा पेशेंट्स की देखभाल की जाती है और यही क्वालिटी विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर को जीवन रक्षक का दर्जा दिलाती है। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, बसंत रोड, सिविल लाइन्स, लुधियाना। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर।
संथारा साधिका उपरवर्तनी साध्वी रत्ना श्री स्वरण कांता जी की सुशिष्याएं, उत्तर भारतीय परवर्तनी साध्वी रत्ना श्री सुधा जी महाराज की सुशिष्याएं, जिन शासन पारसमणि श्री समता जी महाराज, प्रवचन भास्कर डॉक्टर श्री सुवर्षा जी महाराज, वीर श्रोमणी श्री प्रगति जी महाराज, श्री मैत्री जी महाराज, श्री मनस्वी जी महाराज, श्री यत्ना जी महाराज, श्री गाथा जी महाराज, श्री चूलिका जी महाराज आदि ठाणे आठ का 2018 का चातुर्मास SSJN सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में होना निश्चित हुआ है। पंजाब के जिला फिरोजपुर में 17 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक चलाए जा रहे ट्रैफिक नियमों संबंधी जागरूकता अभियान के तहत आज SSP फिरोजपुर भूपिंदर सिंह की अगुवाई में 200 के करीब दो पहिया वाहन चलाने वालों को मुफ्त में हेलमेट बांटे गए। इस मुहिम में फिरोजपुर छावनी में आड़त का काम करने वाले हेमंत मित्तल और फिरोजपुर पुलिस के सहयोग से हेलमेट बांटे गए। हेमंत मित्तल ने कहा कि दिन ब दिन बढ़ रही दुर्घटनाओं में लोगों की कीमती जाने जा रही हैं। उनको बचाने के उद्देश्य से आज 200 के करीब हेलमेट बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक भगवान चाहेगा आगे भी वह ये कार्य करते रहेंगे। 200 के करीब हेलमेट बांटे जा रहे हैं जी, ये रोड सेफ्टी के अधीन बांटे जा रहे हैं। मैं हेमंत मित्तल हूं, मैं पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर ते आड़त का काम करता हूं। मैनू यह है कि लोगों की सेफ्टी वास्ते जिहड़े इन्ने एक्सीडेंट हो रहे हैं कि उन्हां दी जान बचाई जाए, तो कोई एक्सीडेंट तो मतलब किसी को भी हैलमेट वालों कोई दिक्कत ना आए, इस करके मेरे वालों हैलमेट वंडे जा रहे हैं। तो परसों मैं रिफलैक्टर की जी है सारे डंपर से ट्रैक्टर से रिफलैक्टर लवाए। जदों तक भगवान आदेश देगा तब तक चलेगा जी। SSP भूपिंदर सिंह ने हेमंत मित्तल के सहयोग की सराहना करते हुए लोगों से हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की अपील की। एक मुहिम चलाई जा रही है जिस दे विच आम नागरिक जिहड़े शहर के नागरिक है उन्होंने सेफ्टी का ध्यान रख के उन्होंने फ्री दे विच इतों मिस्टर हेमंत हैगे आ इन्हां दी भी विच दे विच योगदान है। इन्हां दे योगदान दे नाल जिहड़ी पुलिस ट्रैफिक पुलिस दे योगदान दे नाल तो लोगों के जागरूकता पैदा करने लिए भी इन्होंने जोड़े हैलमेट्स है इन्हों की सेफ्टी वास्ते जरूरी है, जिस दे नाल बहुत ही कीमती जाना अपन बच सकती हैं। तो यह अपन हैलमेट पाना चाहिए हमेशा जो आप मोटरसाइकिल स्कूटर से आप जाने ताकि अपनी जी कीमती लाइफ है जी कीमती जिंदगी अपनी बचाई जा सके। ये एक मुहिम है, एक लोगों जागरूकता पैदा करने वास्ते है। जोड़े हैलमेट्स दिते जा रहे सिंबोलिक है भी जोड़े ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੰਤ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬੜੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਫਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। सतगुरु भगत कबीर महाराज के जन्म उत्सव की सरकारी छुट्टी रद्द किए जाने के विरोध में साहिब बंदगी अध्यात्मिक संस्था पंजाब द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की गई। साहिब बंदगी अध्यात्मिक संस्था पंजाब द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपील की गई कि सतगुरु कबीर साहिब की शिक्षाएं किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं थी बल्कि पूर्ण मानवता के कल्याण के लिए थी और उनकी बानी सभी ग्रंथों में होने के कारण सरकार को उनका आदर करते हुए कबीर जयंती की छुट्टी बहाल की जानी चाहिए। पंजाब सरकार वालों जो सतगुरु कबीर साहब की जन्मदिन की छुट्टी कैंसल की रद्द की है, साड़ी साहिबंदगी अध्यात्मिक संस्था पंजाब वालों असी मांग करांगे सरकार नूं कि वो छुट्टी बहाल की जाए कि उन्होंने दर्शन लैके कबीर साहब के दर्शन लैके उन्होंने बाणी जी सारे ग्रंथों में हैगी असी सरकार उन्होंने आदर करते हुए और छुट्टी बहाल करन दा ऐलान करे। गुरचरण सिंह मैं साहब कबीर साहब जी के संबंध में पहले भी बोलिया, मैं चाहना हाँ कि उन्होंने संबंध में जिस तरह के भ्रांतियां फैलाईया गई वो समाज में कढ़ दित्तियां जान, सारे ही उन्होंने छुट्टी
रल मिल के खुशी ना मना। गौरमेंट भी सानू इजाजत दे छुट्टी दे दे, गौरमेंट ने कैंसल कर दी आ। कबीर साहब सारे समाज के सांझे, उन्हें श्रोमणी संत भी कहिंदे आ। गुरु ग्रंथ साहब के भी उन्होंने बहुत बाणी आ जिहड़े आपां उन्होंने अतकार ते सत्कार दे नाल पढ़ते हाँ सुनते हाँ। ये सानू भी चाहिए कि असी सारे जिन्हें भी होर महात्मा उन्हों का सत्कार करिए। कबीर साहब जो संत मत नूं दुनिया में लैके आए, उन्हों का होर भी बनता है कि उन्होंने संबंध में छुट्टी जरूर मिले। जलंधर से कैमरामैन राजेश के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। नशा छुड़ाओ पंजाब बचाओ अभियान के तहत आज हेल्प क्लब लुधियाना एवं पंजाब पुलिस के सहयोग से ग्यासपुरा हरगोबिंद नगर स्थित टी आर गुप्ता मेमोरियल स्कूल में नशा छुड़ाओ जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में ADCP साउथ श्री संदीप शर्मा सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने पहुंचकर स्कूल के विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी और विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया। इस मौके पर ADCP साउथ संदीप शर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, इसलिए नौजवानों को नशा छोड़कर खेलों में भाग लेना चाहिए ताकि वह देश का नाम रोशन कर सके। हेल्प क्लब और स्कूल की तरफ से ADCP संदीप शर्मा और आए हुए सभी मेहमानों का सरोपा डालकर स्वागत किया गया और कृपान देकर सम्मानित किया गया। स्कूल की चेयरमैन और प्रिंसिपल अनीता सिंगला ने आए हुए सभी मेहमानों का धन्यवाद किया और पंजाब पुलिस का आभार माना कि इस नए काम के लिए उनके स्कूल को चुना गया। जो अज मैं इतने बच्चों को स्कूल आने का प्रेस वालों तो स्कूल के स्टाफ वालों मौका मिले है। जे असी व्डिया तो यह सोचते कि आदमी एक चीज़ इंडलज हो गया वो आदत चेंज करनी औखी होती है, लेकिन सब तो वड्डी साडी जिम्मेवारी बनती है जिहड़े बच्चे जिन्होंने हजे नशे बारे नहीं पता है, जे इन्हां नूं असीं बचा लीए तो मेरे ख्याल आप बहुत वड्डी अचीवमेंट कर सकते हैं। उस वजह मैं छोटा उपराला किया जिहड़े मेरे एक्सपीरियंस है वो बच्चों ने शेयर किए हैं। जे मतलब असीं इन्हां नूं बचा सकीए तो मेरे हिसाब से सब तो वड्डी साडी अचीवमेंट होगी। असीं चाहते हैं भी जिहड़ी मैं तुहानूं दस्सिया भी हुण साडे जॉइंट परिवार जो टुट रहे हैं, लेडीज़ नूं जेंट्स हरे नूं काम करना पै रहा है जिहड़ी कैरी दी मजबूरी है। अगे साडे घर दे जे माँ बाप हुंदे सी, भूआ चाची नानी ताई बच्चों नूं गाइड करदे सी, असीं हुण इह चाहुंदे वी जिहड़े सैकंड उहनां दे पेरेंट्स बन के, मैं तां फस्ट ही कहूँगा, उह होए ने साडे उस्ताद टीचर साहिबान। इहनां नाल वध तो इंटरैक्ट करन क्योंकि इहनां कोल उहनां ने दिन दे मैक्सीमम टाइम रहिणा हुंदा है। जे इहनां दी कदर पहचान लैण और माँ बाप वी उहनूं गाइड करन तां मेरे ख्याल साडे बच्चे अच्छी लाइन 'ते रहि सकदे आ। नशा मैं तुहानूं दस्सिया इक तां माँ बाप दी केयर घट रही है, इक हर काम दे अनरैस्ट हो रहा है और कोई छोटे मोटे नशे एक बार टैंपरे रिलीफ देंगे है जिंदे करके मतलब बच्चे उस पास ज़्यादा इंडलज हो जाते हैं। इतनी जरूरत है साढ़े सारे समाज की, पेरेंट्स की, टीचर की, भी इन्होंने हर वे वॉच करिए टाइम टू टाइम गाइड करिए। साढ़े स्कूल टी आर गुप्ता मेमोरियल के अज साढ़े चौंकी शेरपुर चौंकी इंचार्ज ADCP अमनदीप सिंह बराड ने पहुँच के बच्चों नशे प्रति जागरूक किया, ट्रैफिक रूल्स बारे भी अवेयर कराया कि सानू खुद तो ही सारिया चीज़ों की शुरुआत करनी चाहिए आ कि जे असी हैलमेट लैके हैलमेट नू सिर ते नहीं पावांगे तो सट तो साढ़े ही लगनी ही लगनी आ। सो असी बहुत खुश होए कि साढ़े इंचार्ज साहब ने सानू आके इत्थे स्कूल दे विच बच्चों नू जागरूक किया। असी बच्चों नू हमेशा ही नशियां तो बचण वास्ते पढ़ाई ते मोटिवेशन करन वास्ते टारगेट बनाउण वास्ते अपना उद्देश्य भी असी जिंदगी च की बनना वा उहदे बारे मैं डेली प्रेयर दे विच बच्चों नू 5-10 मिनट तक का जरूर मोटिवेशन लेक्चर एक दिन नहीं। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ भूपिंदर शान की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, मैं काव्या जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और नए समाचारों के साथ। जय जिनेंद्र।